प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट तक रहा, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा शोर शराबा है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज हम एक ऐसी, कहते ना, ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हुए हैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तमाम ही चाहने वालों को बड़ा शॉक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है पोलैंड के बाद पाकिस्तान में देखा गया, और ये चित्राल से होता हुआ लाहौर और लाहौर से एंटर हो गया अमृतसर में। अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल टाइम बताया जाता 46 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज किया। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप पे दिखाऊंगी। ये वो क्लिप्स हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पर कल से जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और इसके पीछे कहानी कुछ ये है कि ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हो सकता है कोई खुफिया मुलाकात हो, क्योंकि ऐसा होता हमने नहीं देखा कि दो मुल्क जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो, बातचीत बंद हो, लेकिन एक खास प्लेन जो कि जिसमें भारतीय वजीर आजम सवार है वो 40 मिनट तक पाकिस्तान की फिजा में रहता है और उसके बाद जो है चित्राल लाहौर से होता हुआ एंटर हो जाता है अमृतसर में। और ये बातें, कहते हैं ना, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। पाकिस्तानी मीडिया की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानेंगे कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, और भारत से खबर लाएंगे हमारे लिए नाजिया लाई खान। आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच नाजिया जी में ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलामु अलैकुम शैला जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पोलैंड के बाद ये क्या हुआ है, पाकिस्तान का विजिट भी कर लिया मोदी साहब ने? अच्छा, सबसे पहले तो शैला मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया है ना, टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल करके कहा है कि तुम टेररिज्म फैक्ट्री हो, तुम टेररिज्म को पालते और पोसते हो। हमको याद होगा कि G20 और एशियन समिट में भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही सुर में कहा था, एक ही सुर में कहा था, और यही वाला आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था कि भाई आप टेररिस्ट छोड़ो, टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि 46 मिनट, अब फिजाएं तो आपकी नहीं है, आसमान तो आपका नहीं है, और प्लेन भी आपका तो नहीं था, है ना? हमारा प्लेन भी हमारा था, एयरक्राफ्ट भी हमारा था, और उसमें प्रधानमंत्री भी हमारे थे। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो बावले हो जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया भी, और पाकिस्तानी सरकार भी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी, पाकिस्तानी आर्मी भी, और जनता भी बड़ी बावली हो जाती है, बड़ी डर सी और सहमी सी जाती है। जैसे बहुत भीड़ में हजारों लोग बाजार में या कहीं पर गुजर रहे होते हैं, पर उसमें एक पुलिस वाला दूर से चला आ रहा होता है, तो सारे चोर उस भीड़ में क्या होते हैं, छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि उस भीड़ में लोग पुलिस को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन चोर नॉर्मल नहीं लेते हैं। तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आती है, वैसे ही परेशान हो जाता है पाकिस्तान कि आखिर ये बंदा 47 मिनट कर क्या रहा था, और पाकिस्तानी एयर स्पेस को क्यों यूज किया गया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक भी नहीं है, लेकिन पोलैंड से भारत तक का सफर उन्होंने 40 मिनट तक पाकिस्तान की फिजाओं को यूज किया, पाकिस्तान की, कहते हैं ना, कि एयर स्पेस को यूज किया। तो यहाँ पर कहते हैं कबूतर अंदर की खबर है कि क्या पता कोई खुफिया मीटिंग रखी गई हो। नहीं, देखो, पहले भी इस बात को याद रखना चाहिए
कि उसामा बिन लादेन ने भी जब डिस्कवर किया था एबोटाबाद से, एबोटाबाद से, आप उर्दू में कह रही हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, एबोटाबाद से जब उसामा बिन लादेन को वो 26/11 वाले को जब रिकवर किया था, और उस पर क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और यही बहुत बेसिक रीजन है कि जब भी हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होता है शैला, तो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे नेता मंत्री जो होते हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वहां से नारेबाजी लगाते हैं। और इस बार तो क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली थी, एक्टिव थी पाकिस्तानी चैनल्स पर, तो मुझे भी, मेरे सामने भी कई पाकिस्तानी नेता और मंत्रियों ने राहुल गांधी जी के समर्थन में आवाज लगाई है, और मैंने बोला भी कि भाई ये तो हमें नहीं पता था, युवाओं को नहीं पता था कि पाकिस्तान से भी समर्थन कांग्रेस को और राहुल गांधी को आता है। तो होता क्या है ना कि जिस तरीके से G20 की इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस समिट में, उसके बाद फिर एशियन समिट में, जिस हिसाब से मोदी जी पाकिस्तान को डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बोला करती थी। और इतने बड़ा एबोटाबाद वाला इंसिडेंट पर भी कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन मोदी जी कभी ये चीज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर 46 मिनट फ्लाइट था तो आपकी सरकार आपको इस बारे में बता क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमारी सरकार तो हमारे सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, हमारी सरकार तो हमसे हिडन कुछ भी नहीं रखती है। आज मैं आपको अगर G20 और एशियन समिट के बारे में बता रही हूँ तो आई हैव दैट नॉलेज ना कि उन्होंने कहा है आंखों में आंखें डाल करके और उंगलियां खड़े करके कि भाई टेरर और टॉक हम एक साथ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को, आपकी आर्मी को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को इस बारे में बताना चाहिए कि आखिर 46 मिनट भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लाइट कर क्या रही थी वहां पर, और आप डरे हुए क्यों हो? अगर मान लो कोई फॉरेन पॉलिसीज के लिए वहां पर हवाओं में मुलाकात हो गई, या किसी बायलेटरल रिलेशन के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई, या किसी और बात के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई है, तो ये तो अच्छी चीज है ना कि बताओ कि भाई जो रिश्ते हमारे खराब थे भारत से, अब वो धीरे धीरे सुधरने पर आ रहे हैं और हम उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके युवाओं में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई हम भारत के हिंदुओं को काफिर ना बोले, ला इलाहा पढ़ करके हम जंगे लड़ लेंगे, ये सारे बेतुकी बातों से वहां के मुसलमान भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे पीछे लेकर आएंगे कि ये जो भीख का कटोरा हम हाथ में लिए हुए हैं, इट्स बेटर कि हम मोदी जी के साथ, हमारे हमारी सरकार जो है वो अच्छे संबंध करने की कोशिश कर रही है, तो अब ये जो भिकमंगा वाला हमारा जो सिनेरियो और सरकमस्टांसेस चल रहा है उससे हम बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात बताएं मुझे आप शैला जी, इतनी ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने वार्निंग दे दी कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, अब्दुल्ला परिवार को अगर तुमने समर्थन दिया और तुमने लश्कर ए तैयबा भेजा और अलकायदा भेजा तो छट्टी का दूध याद दिला देंगे, कहीं ऐसा इसमें एक, इसमें एक चीज ये भी है, देखें आपको याद होगा जब टर्की के अंदर बहुत स्वेट किस्म का अर्थक्वेक आया था और भारत की जानिब से अपील की गई थी पाकिस्तान को कि आप अपना एयर स्पेस हमें यूज करने दें ताकि हम ना शॉर्ट टाइम के अंदर जो है यहाँ से जो वो रिलीफ पैकेज है वो टर्की तक पहुंचा सके, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भारत को मुंह पे मना कर दिया था कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, और भारत ने बहुत लंबा जो है रास्ता इस्तेमाल किया टर्की पहुंचने का। उसके बाद इस्लामिक कंट्री से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या हमारी गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल टॉक तो सोशल मीडिया पे रिलीज नहीं हुई, तो फिर 40 मिनट तक भारतीय जहाज को उन्होंने ट्रैवल करने कैसे दे दिया? कुछ तो शायद अच्छी खबर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ना बताना चाहती हो, क्योंकि ये बात तो अक्सर सामने आती है कि दुबई या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज में भारत और पाकिस्तान के बैकडोर तो डायलॉग चलते रहते हैं लेकिन उसको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया जाता, तो तब इजाजत नहीं दी। अब 46 मिनट्स ये बहुत ज्यादा नहीं है शाला? जब हम एग्जाम देते हैं और हमारा 90% आता है ना तो हम चीख चीख कर बताते हैं, लेकिन जैसे ही 30% आता है ना हम उसको गल्प कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, नहीं ठीक है पास हो गए, हम यही बताते हैं पास हो गए, और हमारे माँ बाप भी बोलते हैं नहीं पास हो गई है पास हो गई है, लेकिन 90% आता है ना तो कोई पूछता है कि पास हुई, अरे 90% से पास हुई है क्या बात कर रहे हो? तो अगर खबर अच्छी होती तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी डंके की चोट पर बताती कि हमारा भारत के साथ अब इतना अच्छा संबंध होने जा रहा है, लेकिन
क्योंकि फटकार पड़ी है, क्योंकि झाड़ पड़ी है, या क्योंकि आंखें दिखाया गया है इस 46 मिनट में, मे बी इसलिए मुंह फिर से नहीं बचा पाकिस्तान की सरकार को और आर्मी का कि वो कुछ बोल सके। देखिए मोदी जी के ने अपने कैरेक्टर को और अपने विजन को और अपनी बातों को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखा है। आप सोचो कि अभी ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए वो गए, हालांकि उनकी जान को खतरा था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि हम टेबल टॉक कर सकते हैं और सारे समस्या का समाधान जंग से नहीं होता है, उसके लिए हमें कभी कभी एक टेबल पर बैठने की जरूरत भी होती है। तो अगर पाकिस्तान से फिर से एक बार मोदी जी को बात करने की जरूरत होती, तो जैसे वो आपके पूर्व वजीर आजम की शादी को अटेंड किया था, उसी तरीके से वो डंके की चोट पर जाते और प्रोटोकॉल को लेकर के या प्रोटोकॉल को इग्नोर करके भी, लेकिन वो दुनिया को दिखाते कि भाई हम मिले हैं। क्योंकि मोदी जी हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, वो रशिया से नितिन्याहू से मिले, या ज़ेलेंस्की से मिले, या इजराइल से मिले, या मोहम्मद बिन सलमान से मिले, वो छुपाते नहीं है, वो बिल्कुल भी छुपाते नहीं है, बल्कि वो उसको एनहांस कर करके सारे सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम चैनल से लेकर के या जिस देश से मिलते हैं उस देश में भी वो बताते हैं कि भाई हम मिले हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ही महीने में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है और उसके कुछ महीने के बाद पीओके पे भी हमारा इलेक्शन है, और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला ने अपना मैनिफेस्टो, बिल्कुल टेरर वाला मैनिफेस्टो सामने लेकर के वो आए हैं, वो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो SC ST के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो दोबारा फिर से टेररिस्ट और टेररिज्म को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो एक इस्लामिक रिचुअल और इस्लामिक अस्त्र को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झाड़ पड़ी है पाकिस्तान की सरकार को कि बेटा 46 मिनट में ना मैं तुमको छट्टी का दूध याद दिलाऊंगा, अभी बताता हूँ हमारे इलेक्शन में तुम ज्यादा हाथ पैर मत मारना, नहीं तो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। ये भी तो हो सकता है, तो चलो बड़ी बड़ी बातें होगी ना ऑफिशियली, तो ना पाकिस्तान की तरफ से ऐसा है और ना ही इंडिया की जानिब से ऐसा है। लेकिन चले एक मिनट के लिए हम कश्मीर के जो मैटर है, क्योंकि पाकिस्तान भी 77 सालों से इंडिया का कश्मीर ले रहा है और इंडिया ने भी 4-5 सालों से कहना शुरू कर दिया कि पीओके ले। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान के सवाल और नाजिया इलाही खान जी के दमदार और बेबाक जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की मोदी जी के बारे में, खासकर जो मोदी जी का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा काफी देर तक, जिसको लेके आज पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा शोर शराबा और हल्ला गुल्ला है, और पाकिस्तान ने भारत को अक्टूबर में SCO मीटिंग के लिए भी इनवाइट किया है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्या मोदी जी को पाकिस्तान जाना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।